हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिज्ञासा में। आज हम बनाएंगे बच्चों का फेवरेट मोनाको। मोनाको पिज़्ज़ा बनाना बहुत आसान है और ये बच्चों को बहुत पसंद है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, आपके बच्चे शौक से खाएंगे। यहाँ मैंने चॉप किए हुए टमाटर लिए हैं, बारीक काट लिए हैं, ऑनियन भी बारीक काट लिए हैं। यहाँ पर स्वीट कॉर्न लिए हैं, मैंने उसे पहले बॉईल कर लिया था। हरा धनिया उसे भी मैंने बारीक काट लिया है। टेस्ट मुझे सॉल्ट लिया है, चाट मसालो, हरी मिर्च उसे भी बारीक काट लिया है और चीज को मैंने कद्दूकस लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पर मैंने मोनाको बिस्किट ली है, आप मोनाको बिस्किट ही ले सकते हैं, उसकी जगह कोई और बिस्किट नहीं ले सकते हैं। फिर मैंने उस पर टमाटो केचप लगाया है। उस पर मैंने चीज डाला। फिर हमारा स्टफिंग इसमें डालना है। फिर उसके ऊपर भी हमें चीज डालना है। बच्चों को चीज बहुत पसंद है, इसलिए ये पिज्जा बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों का फेवरेट होता है चीज, तो इसलिए आप अपने बच्चों के लिए जरूर बनाइए। यहाँ पर मैंने पहले ही सॉल्ट को एक तवे पर गरम करने के लिए रख दिया है। उस पर ऊपर मैंने स्टैंड लगा दिया है। अब मैंने 1.5 घंटे पहले इसको गरम करने के लिए रख दिया था। फिर हमारा मोनाको बिस्किट उस पर रख देना है और उसे मैंने प्लेट से ढक दिया है। करीब 10 मिनट के अंदर आपका पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। जो चलो देखते हैं कि जो इतना अच्छे से तैयार हो गया है। हमारा मोनाको पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। देखो चीज़ कैसे मेल्ट हो गया है, बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह। ऐसे नई नई और इनोवेटिव रेसिपी के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।